Good afternoon, everyone. Welcome to today's maths class. As you all are preparing for boards, KSAT, as well as BITSAT and all other examination, जो भी आपके doubt है हम इसी तरीके से बीच में class लेके करते रहेंगे, right? एक week में जितनी classes possible होंगी उतनी सारी मैं आपकी लूंगा. Since 1st April से आपका pre-boards है, right? फिर देखते हैं आज के बाद में और कब कब क्लास आपकी ले सकता हूँ. नहीं, आपका 1st April से नहीं है तो अच्छा है, आपका इवन में 7th April, 6th April तक ले सकता हूँ. Am I correct? क्योंकि आपका प्री बोर्ड्स 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है, राइट? तो उस तरीके से हम करेंगे. 8 अप्रैल टू 17 अप्रैल आपके नहीं रहेंगे तो तब तक फिर बीच में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल जो भी है या 6 अप्रैल तक मैक्सिमम डाउट हम खत्म कर देते हैं. तो मनोज का पहला क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन यही है ना मनोज? ये 2014 ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये 2014 बिट सेट का क्वेश्चन है. इज दिस क्वेश्चन ओके? ये जो आपने बिट सेट की बुक मंगवाई थी उसी का है ना? हाँ सर. बिट सेट के लिए आपने कौन सी बुक मंगवाई थी? सेल्फ स्टडी गाइड या फिर प्रीवियस ईयर पेपर? ये सर दिशा का है सर, प्रीवियस ईयर. उसका लिंक अभिषेक को भेज देना, नहीं तो मुझे भेज देना, मैं अभिषेक को भेज दूंगा. ठीक है अभिषेक? हाँ सर, ठीक है. नाउ द सेट ए गिवन बी यूनियन बी गिवन ए, ए गिवन बी Union B given A is equal to what? चलो A given B, इसका मतलब क्या है? ये तो probability में आता है. Probability of A given B is equal to probability of A intersection B by B. Am I correct? हाँ या ना? Sorry. हाँ sir. Probability of A intersection B divided by probability of B. तो क्या ये question के लिए कुछ और अलग से define किया था उन्होंने? A given by B. sir इतना ही दिया था. इतना ही दिया है. But, ना ए गिवन बी किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ये लोग? ए बैकस्लैश भी है, ऐसा भी नहीं है. यहाँ पे हम अगर स्लैश के फॉर्म में लिखना तो ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉर्मल स्लैश द व्हाटएवर इट इज गिवन टू सेस बैकस्लैश. क्या ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है? सॉल्यूशन में क्या दिया गया है? इज इट एनी न्यू टर्मिनोलॉजी? सर एक मिनट सर, उसको फोटो भेज दूंगा सर आपको व्हाट्सएप में. ठीक है. यस विष्णु स्पेलिंग सर सेट में उसका अलग डेफिनेशन है. हाँ विष्णु आपने पढ़ा, बोलो क्या डेफिनेशन है उसका, उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या है? याद नहीं है सर, पर मैं सॉल्व किया था सर ऐसे वाला. अच्छा ठीक है. यूनियन इंटरसेक्शन का लिखते हैं सर. क्या लिखते हैं? ओके ठीक है, आपको कुछ मिले तो आप बताना, नहीं तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ नेक्स्ट टाइम. हम दूसरा देख लेते हैं सर. हाँ भेजा आपने? हाँ सर, उन्होंने दिया है ए हाइफन बी यूनियन बी हाइफन ए करके दिया है. ए हाइफन बी मतलब? हाँ मतलब उन्होंने दिया उसी को आप हाइफन ए माइनस बी. हाँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. हाँ ऐसा करके दिया है पीछे सॉल्यूशन में. हाँ जस्ट अ मिनट. तो ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये तो ए डेल्टा बी होता है ना? फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा मतलब हर जगह पे बैकस्लैश का मतलब माइनस है. ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा है दैट इज एग्जैक्टली माइनस. ओके ए माइनस. हाँ बस, तो उसी तरीके से हम पूरा चेंज कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आपका ऑलरेडी ए डेल्टा भी होता है. ए डेल्टा भी को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. A union B minus A intersection B. So this is printing mistake. क्योंकि sets के लिए A by B defined नहीं है ना? This is not defined for sets. दो set का division. चलो मैं next question आपका import कर रहा हूँ मनोज, right? Question number 11, correct?
of same bit set. There are 20 students in chemistry class. Sir. Okay, Vishnu is telling sir, printing mistake नहीं है शायद a minus b का ये दूसरा form है a backslash b. अच्छा ठीक है विष्णु, आप मुझे बता देना आप जो भी बुक में आपने वो देखा हो या पढ़ा हो राइट, तो एक बार उसको वेरीफाई करके ये हम लिख देंगे. ओके हो सकता है शायद ऐसा हो. ओके सो देर आर 20 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास एंड 30 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास. सो केमिस्ट्री क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स क्लास में 30 स्टूडेंट्स. If 10 students are to be enrolled in both the courses, 10 students are enrolled in both courses, chemistry intersection physics, then the number of students which are either in physics class or chemistry class. Okay. यहाँ पे मैं बोला है 50, 40 if two classes meet at same hour, 40 if two classes meet at different hours, one by one. There are 20 students in chemistry class and 30 students in physics class. जब question दिया गया तब अवर के बारे में कुछ नहीं बोला है कि chemistry कौन से time पे, physics कौन से time पे. If 10 students are to be enrolled in both the courses, 10 students दोनों में, chemistry में भी है, physics में है, physics में भी है. तो अब मुझे बताओ अगर 10 students दोनों में हैं, तो अगर chemistry और physics की मैं बात कर रहा हूँ, वो अलग-अलग time पे होगा तो ही possible होगा, हाँ या ना? हाँ सर. तो ये 10 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री भी अटेंड कर पाएंगे, फिजिक्स भी अटेंड कर पाएंगे. सो यहाँ पे ये 10 स्टूडेंट्स के लिए ये केमिस्ट्री का टाइम अलग, फिजिक्स का टाइम अलग रखना पड़ेगा. दिस टाइमिंग्स आर डिफरेंट. नाउ अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री यूनियन फिजिक्स फाइंड करना है. ये जनरली हम फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स. अब हमें यहाँ पे दो अलग अलग केसेस लेने हैं, इफ टू क्लासेस मीट एट सेम अवर, इफ टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट अवर. चलो तो पहले मैं ले रहा हूँ, दोनों अलग हैं, केस टू पहले ले रहा हूँ राइट, केस वन जो भी आप नाम लो. यहाँ पे केस वन, क्लासेस एट डिफरेंट अवर. अलग अलग अवर पे क्लास है तो अलग अलग अवर पे क्लास है, तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं सी यूनियन पी इक्वल टू केमिस्ट्री में है 20, फिजिक्स में है 30, दोनों में है 10. सो 20 प्लस 30 50 माइनस 10 40 रहेगा आइदर केमिस्ट्री या फिजिक्स में. एम आई करेक्ट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाँ सर विच आर आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, या तो फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में या दोनों में है, ऐसे मिला के अब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं राइट, जिसमें से 40 स्टूडेंट्स में से कुछ केमिस्ट्री में हो सकते हैं, कुछ फिजिक्स में हो सकते हैं, कुछ दोनों में हो सकते हैं. अब अगर मुझे ये बताओ कि अगर दोनों क्लासेस सेम टाइम पे हो रही हैं, केस टू, बोथ क्लासेस सर हाँ सर डिफरेंट अवर के लिए प्लस 10 एक और ऐड करना होगा ना सर, 50 हो जाएगा ना, डिफरेंट अवर दो बार ऐड करना होगा ना सर. क्यों? इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी अटेंड करेगा फिजिक्स में भी अटेंड करेगा ना. एग्री. अब मेरी बात सुन, आपके जो केमिस्ट्री में 20 है फिजिक्स में 30 है, उसी के अंदर ये 10 है कि ये 10 एक्स्ट्रा है? There are 20 students in chemistry class and 30 students in physics class. If 10 students are to be enrolled in both the courses, अब यहाँ पे 10 students अलग हैं कि इन 20 और 30 में से ही 10 है? पहला question तो ये आएगा. उसके अंदर ही है. हाँ. If 10 students are to be enrolled in both the courses, मतलब ये chemistry में जो 20 और physics में 30 है, उसी में से 10 ऐसे हैं जो chemistry भी attend कर रहे हैं, physics भी attend कर रहे हैं. Am I correct? हाँ sir. तो उसी में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों अटेंड कर रहे हैं. मुझे ये बताओ, मुझे टोटल काउंट करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे. तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलके 50 अटेंड कर रहे हैं, 50 में से 10 लोग ऐसे भी हैं जो जो केमिस्ट्री भी अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स भी अटेंड कर रहे हैं, तो वो 10 को मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा सर. पर अलग अलग क्लास है ना सर, तो ऐड करना होगा ना, अलग अलग वर्ष में है ना.
ओके ओके वेट वेट नाउ आई गॉट योर पॉइंट. हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा ये गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास. फिजिक्स या केमिस्ट्री में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो आप ये बोल रहे हो जो हमने काउंट किया वो सेम आवर के लिए काउंट किया, राइट? कि सेम हाँ आवर के लिए सर, फॉर्मूला हो गया 20 + 30 - 10. सेम आवर पे इधर केमिस्ट्री चल रहा है, इधर फिजिक्स चल रहा है, तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में टोटल 40 स्टूडेंट्स होंगे. एग्री? हाँ सर, इधर इधर 20 होंगे या फिर इधर 30 होंगे, बट सिंस वो दो 10 तो सेम है तो एग्री 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 एग्री, दे शुड बी फॉर सेम. इफ क्लासेस आर एट सेम आवर, क्योंकि आइदर इस तरफ फिजिक्स क्लास में 20 जाएंगे, केमिस्ट्री में 30 जाएंगे और 10 होंगे वो उसमें से कहीं भी जाएंगे इन दोनों में से, तो कोई भी एक में वो काउंट हो जाएंगे, राइट? मतलब दूसरी बार काउंट हो रहे हैं. सो 20 + 30 - 10 40. नाउ बोथ क्लासेस आर एट डिफरेंट आवर, तो अगर दोनों डिफरेंट आवर पे हैं तो केमिस्ट्री में 20 अटेंड करके चले जाएंगे, फिजिक्स में 30 अटेंड करके चले जाएंगे. एम आई करेक्ट? वो टाइम पे केमिस्ट्री यूनियन पी दैट विल बी 20 + 30 ओनली डायरेक्टली. वहां पे आपकी फॉर्मूला नहीं लगेगी C + P - C इंटरसेक्शन पी, ये फॉर्मूला इधर लगेगी. या अलग अलग आवर पे हैं तो वो टाइम पे वो जो 10 स्टूडेंट्स दोनों कोर्सेज हैं वो दोनों अटेंड करने ही वाले हैं, आया ना? अगर वो सारे सिंपल हैं, सारे रेगुलर हैं, तो डिफरेंट में आपका आंसर आ रहा है 50, सेम में आंसर आ रहा है 40. लेट अस चेक, डिफरेंट में 50, अब इन्होंने उल्टा दिया है, इन्होंने दिया डिफरेंट 40 सेम 50. बोथ आर करेक्ट, ए करेक्ट बट बी इनकरेक्ट, ए करेक्ट बट बी इनकरेक्ट. ए आपको क्या बोला गया है, 50 इफ टू क्लासेस मीट एट सेम आवर. हाँ, बोथ क्लासेस मीट एट सेम आवर 50, यस. सो ऑप्शन शुड बी डी, ए करेक्ट बी इनकरेक्ट. 40 इफ एट डिफरेंट आवर, 40 इफ सेम आवर, 50 एट डिफरेंट आवर. 50, अरे नहीं ये भी गलत है ना, 50 आपको सेम आवर के लिए दिया है ना, बट 50 आएगा डिफरेंट नहीं आवर सर, पे. ऑप्शन ही मैच नहीं कर ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, सारे गलत है. पीछे आंसर क्या दिया आपको इसमें, रहा, पीछे सी दिया है सर। बोथ आर करेक्ट ऐसा दिया है. हाँ एनी एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन? सर, 1 मिनट सर, उसका बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसलिए मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, वो मुझे फोटो भेज दो, मैं देखता हूँ, क्योंकि दोनों अगर सेम अवर पे हैं 20 + 30 - 10. ठीक है, आई विल चेक. क्वेश्चन मार्क, तो ये एग्जैक्टली आपके हो गए बिट सेट के रिलेशन के क्वेश्चन. राधिका इज टेलिंग के सर वो 10 स्टूडेंट्स अलग हो सकते हैं ना, मतलब राधिका ये 20 और 30 के अलावा 10 हो सकते हैं, यही बोल रहे हो? ठीक है, एग्री. एक बार उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ लेते हैं, राइट? तो तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं. तो ये आपके हो गए बिट सेट के रिलेशन के क्वेश्चन. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, क्योंकि तो अलग होगा तो ही. हाँ यस, मनोज इज टेलिंग सर इज, अच्छा इमेज सेंट. ओके मनोज, लेट्स सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री पी ऑफ फिजिक्स. ओके, नहीं उन्होंने सी इंटरसेक्शन पी ही 10 लिया है, मतलब वो 20 और 30 का ही उन्होंने 10 लिया है. नाउ इफ टू क्लासेस मीट एट सेम आवर देन सी इंटरसेक्शन पी इज 5. सेम आवर में है तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं, क्या क्योंकि इधर होंगे या उधर होंगे. नो एनरोलमेंट पॉसिबल इन बोथ कोर्सेज इन दिस केस. सो 20 + 30 = 50. इफ टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स तो दोनों में कॉमन 10 है, तो टोटल 40 अटेंड कर रहे हैं. ओ
एक तरीके से ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको दिया है, समझो यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू इम्पोर्ट दैट हियर। हाँ यस विष्णु, देखो अब ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है। सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, राइट? केमिस्ट्री क्लास का सेट सी उन्होंने नाम ले लिया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल टू 20 बिकॉज इट इज गिवन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इक्वल टू 30, व्हाट इज गिवन टू अस? सो 20 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास एंड 30 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास, मतलब फिजिकली वो लोग देख रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास में 20 बच्चे दिख रहे हैं, फिजिक्स क्लास में 30 बच्चे दिख रहे हैं। अब उसे समझना है हमें और फिजिकली वर्ड्स को। केमिस्ट्री क्लास में 20 बच्चे दिख रहे हैं, फिजिक्स क्लास में 30 बच्चे दिख रहे हैं। इफ 10 स्टूडेंट्स आर टू बी एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज, अब इसका मतलब समझो, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज, 10 स्टूडेंट्स दोनों कोर्सेज में एनरोल कर रखे हैं, वही पता नहीं चल रहा। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास, सब्जेक्ट को इन्होंने क्या मतलब निकाला है? हाँ हाँ विष्णु, एक मिनट ये का पढ़ लेते हैं, ये खत्म कर लेते हैं, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आता हूँ। उन्होंने केमिस्ट्री में 20, फिजिक्स में 30 ले लिया। अब देखो, केमिस्ट्री इंटरसेक्शन पी 10, वी नीड टू फाइंड केमिस्ट्री यूनियन। इफ टू क्लासेस मीट एट सेम टाइम और सेम आवर, देन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन पी इज 5, नो एनरोलमेंट इज पॉसिबल इन बोथ कोर्सेज इन दिस केस। जो विष्णु ने बताया कि 10 स्टूडेंट्स दोनों एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, अगर 10 स्टूडेंट्स दोनों एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में 20 बच्चे हैं, फिजिक्स में 30 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 50, एम आई करेक्ट? अब यहाँ पे जो मतलब इन्होंने जो दिया है, अब यहाँ पे ये लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो इन्होंने कंसिडर किया है वो ये है कि 20 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास में हैं, 30 स्टूडेंट्स फिजिक्स क्लास में, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज। 10 स्टूडेंट्स दोनों में से किसी में भी नहीं है, मतलब 10 स्टूडेंट्स आर टू बी एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सेम टाइम पे रख रहे हो, आप मान लो एक नई यहाँ अवंती का फ्रेंचाइजी खोल रहे हो कहीं पे, या कोई भी कोचिंग का, और सेम टाइम पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रख रहे हो, कोई स्टूडेंट ऐसे आएंगे कि जिनको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अटेंड करना है तो वो अटेंड ही नहीं, मतलब वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे। वो है, इफ टू क्लासेस आर मीट एट डिफरेंट आवर्स, अब अगर वो अलग घंटों पर मिल रही है, केमिस्ट्री आपके 20 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स आपके 30 बच्चे अटेंड कर रहे हैं। अब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों क्लासेस अटेंड करनी है, बट सिंस आपके इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी है कि दोनों अलग अलग टाइम पे, तो आपके इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेंगी। अब आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं जो दोनों अटेंड कर रहे हैं, तो अब इन्होंने जो मतलब निकाला है वो समझो, तो ये 10 इसके अंदर का ही हो जाएगा, और जो 30 और 20 50 है उसी के अंदर 10 ऐसे होंगे कि जो केमिस्ट्री भी अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स भी अटेंड कर रहे हैं, वो दोनों में है। लाइक दैट उन्होंने किया है, उल्टा एडमिशन बढ़ जाने चाहिए, टाइम अलग अलग रखा तो और 10 आने चाहिए, 50 का 60 होना चाहिए, बट 50 में से ऐसा मान लिया कि 10 केमिस्ट्री भी अटेंड कर रहे हैं, 10 फिजिक्स भी अटेंड कर रहे हैं, इसलिए फिर माइनस कर दिया यहाँ से, -10 एंड योर आंसर गॉट 40। वापस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि केमिस्ट्री क्लास में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स क्लास में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैव टू बी एनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब ये 10 दूसरे हैं कि इसके अंदर के हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। अब आप एक केस आपने ऐसा लिया, इफ टू क्लासेस मीट एट सेम आवर, अगर सेम आवर में मिल रहे हैं तो वहां पे 10 बच्चे जो आने वाले हैं दोनों सेम है, उसमें नहीं आ पाएंगे, सो यहाँ पे आपके एडमिशन हो जाएंगे 20 + 30 - 0, सो दैट इज 50 ओनली डायरेक्टली। यहाँ पे हमने ये माना कि ये 20 और 30 तो रहेंगे ही, बाकी के 10 एक्स्ट्रा आने वाले थे जो नहीं आए। अब यहाँ पे इन्होंने ये हिडन अजम्पशन माना है जो कहीं लिखा नहीं है बट ले लिया है। सिमिलरली जो दूसरा केस है उसमें उन्होंने ऐसा माना है कि अगर अलग अलग टाइम है तो 10 बच्चे अटेंड कर सकते हैं, बट वो कोई नए नहीं आ रहे, ये 20 और 30 50 में से ही वो 10 हैं जो दोनों अटेंड कर रहे हैं। अब ये इनका हिडन अजम्पशन है जिस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन दिया है। हाँ सर सेकंड केस में 10 स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स ओनली, फर्स्ट केस में अगर 10 स्टूडेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स, देन दोस 10 स्टूडेंट्स शुड लीव द
इंस्टीट्यूट। हाँ सर, वो 10 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स के पार्ट नहीं होंगे सर, क्योंकि हम लोग ऐसा वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो केमिस्ट्री में 20 स्टूडेंट्स, फिजिक्स में 30 स्टूडेंट्स से, तो 10 स्टूडेंट्स अलग से वो बोलते सर, अगर होता है तो 10 स्टूडेंट्स विल बी टेकन बोथ दी कोर्सेस, मतलब वो 50 स्टूडेंट्स में ही होंगे सर। मैं वही बता रहा हूँ, अगर वो 50 स्टूडेंट्स में ही होंगे तो ये जो आपका सेम केस है, सेम और मैं क्या बोल रहे हैं, इधर 20 है, केमिस्ट्री में 20 अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स में 30 अटेंड कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई भी दोनों अटेंड नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे सर पर दोनों में से एक को अटेंड कर सकता है ना? वही, दोनों में से एक को अटेंड कर सकता है। एग्री? हाँ सर, तो 50 होगा ना सर, अभी 20 केमिस्ट्री है, 30 फिजिक्स है, तो 10 बच्चे दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर सेम टाइम में क्लास चल रहा है तो 50 स्टूडेंट्स ही होंगे ना सर टोटल, क्योंकि इधर केमिस्ट्री है इधर फिजिक्स है, राइट, एक ही साथ दोनों नहीं चलेगा। सर अगर दोनों एक ही आवर में चल रहे तो 10 स्टूडेंट उनकी मर्जी हो जाएगा ना सर, वो जहाँ चाहे वहां जा सकते वही हैं, तब मैं यूनियन क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो 1 to 2 ये बैच टाइम है, राइट, 10 स्टूडेंट्स हैं, A1 to A10 ये केमिस्ट्री अटेंड कर रहे हैं, राइट, या फिर हमें जैसा लिया है वही 20 स्टूडेंट्स A1 to A20 केमिस्ट्री अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स अटेंड कर रहे हैं 30 स्टूडेंट्स, राइट, या मान लो A21 से लेके A30, या फिर उसको B नाम दे देते हैं, B1 से लेके B30 ये आपके फिजिक्स अटेंड कर रहे हैं सेम टाइम पे। अब यहाँ पे आपके पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 20 केमिस्ट्री में 30 फिजिक्स में, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों नहीं कर सकते, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक करेंगे तो वो यहाँ पे रिपीटेशन वाला होगा कि नहीं? चलो जाने दो, इसमें बहुत वो हो रहा है। 1 to 2, 2 to 3 अलग हैं, A1 to A20 इधर, B1 to B30 इधर, देखो जो दूसरा केस है आपका, इफ टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स देन, ये 20 लोग ने केमिस्ट्री अटेंड किया, ये 30 लोग ने फिजिक्स अटेंड किया, 30 लोग ने फिजिक्स अटेंड किया, 20 लोग ने केमिस्ट्री अटेंड किया, 10 स्टूडेंट्स कॉमन है जो दोनों में अटेंड कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन है जो दोनों में अटेंड कर रहे हैं, मतलब 10 स्टूडेंट्स वो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाई या ना? 10 स्टूडेंट्स इसके अंदर भी सर है, वो मानने के लिए अब मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ समझना, ये A1 to A10 ले रहा हूँ, राइट, फिर इधर AB C केमिस्ट्री का ऑलरेडी है तो D नाम ले रहा हूँ, D1 to D10 ले रहा हूँ, तो D1 to D10 इधर भी है, ये B1 to B20 ले रहा हूँ, अब ये D1 to D10 ले रहा हूँ, राइट। अब विष्णु अब ये समझो, यहाँ पे हमने क्या माना, ये जो आपका सेकंड केस है, जैसा इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि अलग 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 टाइम पे है, तो ये 10 स्टूडेंट्स 50 के अंदर ही है, राइट, इसलिए टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ, ये 10 स्टूडेंट्स ने इधर भी अटेंड किया इधर भी अटेंड किया, तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हुए ये 10 और 20 30 और 10 40, हाँ या ना? या फिर दो बार पूरा काउंट किया, 20 प्लस 30, उसमें से 10 50, एम आई करेक्ट? यहाँ पे 10 माना कि इसके अंदर के ही है, इजंट इट? हाँ या ना? अब अगर सेम टाइमिंग पे हैं तो स्टूडेंट्स तो वही है, अब सेम टाइमिंग पे यहाँ पे A1 to A10 तो अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे B1 to B20 तो अटेंड कर रहे हैं, अब जो आपके पास D1 to D10 है वो डायलेमा में, D1 to D10 में से कुछ केमिस्ट्री अटेंड करेंगे कुछ फिजिक्स अटेंड करेंगे, D1 to D10 क्योंकि उन्होंने दोनों कोर्स लिए हैं, तो आइदर वो केमिस्ट्री अटेंड करेंगे या फिजिक्स अटेंड करेंगे, अगर हम ये मान रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ये 50 में से पार्ट में ही है तो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये हम मान रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तब भी टोटल स्टूडेंट्स तो इधर 20 हैं, इधर 10 हैं, 30 और इधर 10, अब इसमें से 5 केमिस्ट्री जा रहे हैं, 5 फिजिक्स जा रहे हैं, 3 केमिस्ट्री 7 फिजिक्स, या फिर 10 के 10 फिजिक्स 0 केमिस्ट्री, जो भी हो रहा है 10 के 10 केमिस्ट्री 0 फिजिक्स, तब भी तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 20 और 10 30 और 10 40, यहाँ पे भी 40 ही होगा, हाँ या ना? एम आई करेक्ट? बट यहाँ पे इन्होंने क्या कंसिडर करके दिया है, यहाँ पे इन्होंने ये इंटरसेक्शन वालों को कंसिडर ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्शन वाले न्यू स्टूडेंट्स मान लिए, इन्होंने यहाँ पे ये माना कि यहाँ पे 20 तो है और यहाँ पे 30 तो है ही, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 है ही, जो इंटरसेक्शन में के लिए 10 नए स्टूडेंट्स आने थे वो नहीं माना, और सर यहाँ पे मतलब ऐसा मान लिया, यहाँ पे उन्होंने वो 10 स्टूडेंट्स को न्यू ले लिया और यहाँ पे उन्होंने 10 स्टूडेंट्स को न्यू नहीं लिया,
एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर, मतलब न्यू है? वही तो बोल रहा हूँ, सो दिस क्वेश्चन इज अटरली बुलशिट, और आई कैन से एग्जामिनर का माइंड है, उसने जो सोचा वो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक होगा। हाँ बोलो विष्णु, आप बोल रहे हो उधर 50 होगा, कैसे 50 तब होगा जब 10 नेक्स्ट वंस आने वाले थे वो आए सर, नहीं। सर सेम टाइम है अभी, अभी हाँ सर नया, सुनो सर, अभी अभी हाँ सपोज 10 स्टूडेंट में 5 लोग केमिस्ट्री लिए, 5 लोग फिजिक्स लिए, हाँ तो केमिस्ट्री में 15 हुआ, फिजिक्स हाँ में 35 हुआ, अगर सेम टाइम में 35 तो नहीं, टोटल 50 25 स्टूडेंट्स हुआ। 25, ये 20 है, B1 to B20। हाँ तो टोटल 50 हुआ ना। हाँ नहीं ये 15 और 25 40 होगा ना, अगर आप 5-5 मान रहे हो, इधर 5 हो जाएगा 10+5, इधर 5 हो जाएगा 20+5, तो 25 and 15 ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने हाँ हिडन सर, एजम, हाँ इन शॉर्ट इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है, ये सॉल्यूशन में हिडन एजम्पशन इन्होंने ये लिया है कि पहले केस में उन्होंने 10 नए स्टूडेंट्स ले लिए, इधर दूसरे केस में वो 10 स्टूडेंट्स नए नहीं है, 10 स्टूडेंट्स आर नॉट न्यू, वो 50 में से ही कंसिडर किए उन्होंने। तो अब ये आइदर आप नए ले सकते हो पूरे दोनों केस के लिए, या फिर दोनों में से ये कर सकते हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि एक केस के लिए लेना है एक केस के लिए नहीं लेना है। तो हाँ समझ रहे सर, हो ना मेरी बात को, राइट? जैसे हाँ सर, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये वाला केस क्या कंसिडर करके लिया कि 10 are part of 50 ओनली, राइट, जो जनरली होता है। और अगर यहाँ पे इफ 10 are new, अगर 10 नए लोग आने वाले हैं सेम आवर पे हैं तो वो आएंगे ही नहीं, केमिस्ट्री यूनियन पी विल बी 20+30, बाकी लोग आएंगे ही नहीं तो वो 50 हो जाएंगे। फिर अगर दोनों सेम टाइम पे हैं, अलग अलग टाइम पे है तो वो आएंगे, तो 20 और 30 तो ऑलरेडी हैं, इधर 20 है इधर 30 है, और नए आएंगे 10, तो इधर हो जाएगा 50। अगर वो उसी के पार्ट के हैं तो इधर भी ये सेम होगा, 20+30 - 10 = 40, क्योंकि डिफरेंट आवर पे है तो इधर आपके डिफरेंट आवर वाला तो हमने कर ही दिया ना, ये डिफरेंट आवर में अगर उसी के पार्ट का है तो आंसर 40। तो एग्जैक्टली ऐसा होगा, दोनों सेम टाइम पे है या डिफरेंट आवर के हैं, अगर 10 आर उन्हीं के पार्ट में से गिन रहे हो तो आंसर 40 आएगा, 10 नए गिन रहे हो तो आंसर 50 आएगा। भाई वापस कुछ गड़बड़ी कर दी, 10 न्यू आने वाले थे वो नहीं आए, हाँ 10 नए आने वाले थे वो नहीं आए, तो इधर 50। हाँ गॉट इट, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आइदर ये होगा या ये होगा, तो उस तरीके से उनको देना चाहिए। बट चलो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत थोड़ा लक के ऊपर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, राइट? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करो, ऐसे वाले क्वेश्चंस को एंड में नहीं तो एक बार देख लो कि लास्ट ईयर ऐसे ऐसे आए थे, बट उनको छोड़ दो, वही बेटर हो जाएगा, ठीक है? जाए सर नेक्स्ट। हाँ अब इसके बाद आपने दूसरा भेजा था ना मनोज, ये एक PDF में हाँ दो है, सर, राइट? अभी दूसरे PDF डाउनलोड करता हूँ मैं। वो एग्जैक्टली सेट वाला था, ये रिलेशन एंड फंक्शन है। ओके चलो, द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स माइनस मोड कॉस एक्स,
अब आपको ये पीरियोडिक फंक्शन वाला कंसेप्ट याद ही है, ये आपका मोड साइन एक्स है, ये आपका मोड कॉस एक्स है, इसका रिकॉर्डिंग मैं अलग कर देता हूँ।